आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी जो बच्चे का हेल्दी वेट गेन भी करेगी और खाने में टेस्टी भी बनेगी। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे हमें एक कटोरी मखाने, 3 चम्मच मूंग दाल ली है मैंने। मखानों के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। अब कुकर में आपको ले लेना है 2 चम्मच घी। घी थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी सी कटी हुई डालनी है इसमें प्याज। अब प्याज को हल्का सा ही भूनेंगे, फिर डाल देंगे इसमें चुटकी भर हल्दी और अब मखाना डाल देना है इसमें। मूंग दाल को अच्छे से 2-3 बार वॉश करना है और ऐड कर देना है। अब इसमें डाल देना 1 कप पानी। कंसिस्टेंसी अगर आपने पतली रखनी है तो इसमें 1/2 कप आप और भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट में मैंने ऐड किया चुटकी भर नमक। नमक ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एकदम लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगानी है और ये मखाना खिचड़ी बनकर रेडी है। मैशर की हेल्प से आपको इसको थोड़ा मैश कर लेना है और बस अब हल्का ठंडा होने के बाद आपको बेबी को सर्व कर लेना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।